मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम टॉपिक ले रहे हैं आयनन विभव। इसको अंग्रेजी में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयनन विभव को आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं और इसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। बच्चों, तुम जानते हो परमाणु छोटे से छोटा कण है, परमाणु गोलाकार होता है। ये परमाणु का जो केंद्र है इसको नाभिक कहते हैं। इस पर धनावेश होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। अब आयनन विभव क्या है, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी तत्व के परमाणु, कोई तत्व का परमाणु हो और वह गैसीय अवस्था में हो, किसी तत्व के परमाणु गैसीय परमाणु में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व या परमाणु का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व का या उस परमाणु का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसे प्रथम आयनन विभव भी कहते हैं। अब जैसे ये सोडियम परमाणु है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये Na+ बनेगा और I1 ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये I1 क्या है? I1 जो है ये प्रथम आयनन विभव है। अब यदि हम Na+, ये Na+ बना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगा Na+। तो हमको जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगा I2। तो ये I2 क्या है? द्वितीय आयनन विभव। इसी प्रकार अब यदि Na+ में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर करें तो बनेगा Na++। और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे बोलेंगे I3। प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है तृतीय आयनन विभव, इसी प्रकार आगे की ओर। यानी I1 is less than I2 is less than I3 या In is less than In+1। अब इसमें N=1 रखेंगे तो ये चीज मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये चीज मिल जाएगा, यानी In is less than In+1। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो आइए इस पर विचार करते हैं। तो आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ। और तीसरा है आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। चौथा है
इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता, इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चौथा है, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समन्वितता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समन्वितता, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और छठवां है पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षकें, पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षकें। फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, तो बच्चों ये फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं। दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल। अब आइए देखें, जब परमाणु की त्रिज्या अधिक होगी, यानी परमाणु बड़ा होगा, जब परमाणु बड़ा होगा तो उसमें बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ज्यादा दूर होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कम होगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयनन विभव कम होगा। यानी परमाणु त्रिज्या जब अधिक होगी तो आयनन विभव कम होगा, और परमाणु त्रिज्या जब कम होगी तो आयनन विभव अधिक होगा। यानी आयनन विभव जो है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, आयनन विभव ये विक्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल इज यानी आयनन विभव प्रोपोर्शनल 1/ परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या अधिक है तो आयनन विभव कम होगा, परमाणु त्रिज्या कम है आयनन विभव अधिक होगा। इसी प्रकार जे इफेक्टिव आयनन विभव जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है जे इफेक्टिव के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जे इफेक्टिव। आयनन विभव इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी जब प्रभावी नाभिक की आवेश अधिक होगा तो आयनन विभव अधिक होगा, जब प्रभावी नाभिक की आवेश कम होगा तो आयनन विभव कम होगा। आवरण प्रभाव, आयनन विभव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवरण प्रभाव। आयनन विभव ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट 1/ आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव जब अधिक होगा तो आयनन विभव कम होगा, आवरण प्रभाव जब कम होगा तो आयनन विभव अधिक होगा। अब आइए इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता पर विचार करें। यदि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो उस पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल सबसे अधिक लगेगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। s इज ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन f, इसका मतलब है कि सबसे अधिक आयन विभव होगा s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इससे कम होगा के लिए, इससे कम डी उसके लिए। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समन्वितता, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिमेट्रिक है, जैसे उत्कृष्ट गैसें हुई, जैसे नियान ले लें, इसका एटॉमिक नंबर 10 है 2.8, तो ये स्थायी विन्यास है, तो इसके लिए आयनन विभव अधिकतम होगा, अधिक होगा। पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षक है, बच्चों यदि पूर्ण कक्षक है,
पूर्ण कक्षक, जैसे पी कक्षक, ये पी कक्षक तीन है, ये पूर्ण है, एक दो तीन चार पांच छ। तो इसमें से मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ण कक्षक सबसे अधिक स्थायी होता है। अब बच्चों मान लो अर्धपूर्ण कक्षक कक्षक की तुलना में कम स्थायी होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और बच्चों यदि अपूर्ण कक्षक है, जैसे देखिए ये अपूर्ण कक्षक मान लीजिए एक दो तीन चार, अब ये अपूर्ण कक्षक हुआ, ये सबसे कम स्थायी होता है यानी अस्थायी होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बच्चों पीरियाडिक टेबल में अभी जाइए, बायस आवर्त में बायस से दाएं जाने पर क्या पाएंगे, परमाणु त्रिज्या घटेगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आयनन विभव बढ़ेगा। वर्तमान ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इसलिए आयनन विभव कम होता है। जब हम केवल आयनन विभव कहते हैं तो इसका अर्थ प्रथम आयनन विभव से लगाते हैं, और ये आयनन विभव कई प्रकार के हैं, प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव। बच्चों I2 क्या है, द्वितीय आयनन विभव, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, यानी किसी भी तत्व का जो द्वितीय आयनन विभव होता है वह उसके प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है, जैसे बच्चों मान लिया ये इसमें 11 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाए गए हैं, इसके नाभिक में भी 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, ये मान लिया सोडियम का परमाणु है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 1। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमने निकाला, ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसे बोलेंगे I1। अब ये धनायन हो जाएगा, इसे Na में से इलेक्ट्रॉन निकला तो Na प्लस बन गया, अब Na प्लस में से दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसको निकालना हो तो अब इस पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो I2 ऊर्जा हुई। तो बच्चों याद रखना I2 इज ग्रेटर देन I1, या In प्लस 1 इज ग्रेटर देन In। धन्यवाद।